अरे रुको, कौन हो तुम? सफाई वाली, वो पुरानी सफाई वाली वो छुट्टी पर गई है, मारे को भेजा है, वेद साहब ने रखा है मारे को। अच्छा, आएगा देखो अपना। हाँ हाँ, इतनी कच्ची खिलाड़ी को नहीं नंदा, पता था यहाँ बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, जाओ। धन्यवाद। रुको, कहाँ जा रही हो? क्लीनिंग स्टाफ है। अब ये वेद से पूछ ना ले कि वेद ने मारे को यहाँ रखा है, मारा भेद खुल जाएगा। इसने बताया कि इसे तो, अरे भाजी आराम से। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक। वो होता है कभी कभी। ये वही बुढ़िया? ये मारा मारा पहचान पत्र। हाँ माजी ठीक है, अब जाओ। हाँ धन्यवाद। मैं पुलिस स्टेशन के राउंड अप पे जा रहा जानू वाली। हट, अंधिया। तुम इस मुझे पता था मेरी मॉम मुझे यहां से भगाने जरूर आएंगी। बताओ क्या प्लान है? मैं तन्ने भगाने को नहीं आई, समझा? तो क्या अपना सड़ा सा मेकअप दिखाने आई हो? देखो कैसे जानवरों को इतना पड़ा हूँ मैं यहाँ पे, रात को चूहे काटते हैं, दिन में ये पुलिस वाले। तभी तारे को 10 मिनट लग गए जागने में। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आंखें देखो मेरी, सूझ सूझ के मेंढक जैसी हो गई है। राजकुमार से भिखारी बन गया आपका आदि। हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे मॉम, प्लीज यहाँ से निकाल लो। देख बस 8 दिन की बात है, 8 दिन तक जी सब झेल ले, फिर 8 दिन बाद मैं और तू, हम दोनों यहाँ से फुर होने वाले, कहीं बहुत दूर। Thank God. इसका मतलब 8 दिन बाद उमा से हमको वो चीज भी मिल जाएगी। ज़बान पर ताला जड़ के रख, कितनी बार बोला है फिर भी गलतियां करता रहता है, एक भी गलती की ना तो यही सड़ना। Don't worry, Mom. आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, 8 दिन तो यूं ही चुटकियों में निकाल लूंगा। हाँ, बस सबर कर। I know, Mom. मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार I promise, कोई गलती नहीं करूंगी। पर Mom, जाने से पहले उस छिपकली कनक को सबक जरूर सिखा कर जाएंगे।
आठ दिन तक मुंह बंद, समझा? चुप करके रहे। चल जा, वापस जा। कनक, तेरा प्लान काम कर गया। आखिर मासी साहब इतने से मिलने आई? आधा प्लान तो कामयाब हो गया भैया। ये तो पक्का है कि ये माँ भी कहीं जाने का प्लान बना रहे, पर कहाँ और क्यों? और ये आदित्य उमा के बारे में क्या कहते कहते रुक गया था? आठ दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है? मासीसा का ये प्लान अभी भी एक पहेली की तरह लग रहा है मुझे, लेकिन इतना पक्का कि इस बार ये मासीसा कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। अलमारी की चाबियां है? एक बार मैंने मासीसा की अलमारी की चाबियां छुपाई थी और तभी डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। बात है बात। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मासीसा दो कदम आ गए मुझसे। पता चला होगा कि मैंने डुप्लीकेट चाबी बना ली, ताला ही चेंज कर दिया। अब क्या करें इस अलमारी का? क्या? भाई कनक, हमारे को तो लगा था कि तुम्हारी नंदा मासी सा शातिरों की रानी है, रानी। पर अफसोस की बात तो ये है कि इस मामले में वो इस रानी से थोड़ी सी कमजोर है। जल्दी करो ना, चुप्पी कर रही हो। अचार बाकी के देखते हैं। मासीसा ने अचार के बर्नी ऐसे लॉक करके क्यों रखी? कनक, कहीं ऐसा तो नहीं कि मासीसा का ऐसा कोई प्लान हो कि वो ऐसी जगह पर चली जावे जहाँ खाने पीने के लाले पड़े हो? आठ दिन तक ये सब झेल ले, फिर आठ दिन बाद मैं और तू यहाँ से फुर होने वाले कहीं बहुत दूर। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पीले पत्ते का रंग जरूर बदलेगा। कुछ कमी तो जरूर रह गई।
स्लाइड डोर के बारे में आपको कैसे पता चला? सब सासू माँ का दिया हुआ ज्ञान है। देखा आज काम आ रहा है। जय हो मारी सासू माँ की। चलो जी, ये कनक कितनी बार बताना पड़ेगा सबको कि जब मैं अपनी दवाइयों पर प्रयोग कर रहा हूं उस समय मेरा ध्यान कोई ना भटकाए। I'm sorry. कनक रुको, तुमसे कुछ ज्यादा रुखाई से बोल गया। नहीं नहीं उमा जी, गलती आपकी नहीं है। वो मुझे देखना चाहिए था कि आप बिजी हैं, मुझे पूछ के आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं कनक, गलती मेरी है। मुझे दरवाजा बंद रखना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो। नहीं उमा जी, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। नहीं कनक, गलती मेरी है। मुझे वो मेरे पास माफी मांगने की और की वजह नहीं बची। तुम मुझे माफ कर दो ना। ओके, मेरे भोले भंडारी, माफ किया। वैसे क्या आप ये दवाई पालोमी के लिए बना रहे हैं? नहीं, पालोमी का रोग शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक है। वो आयुर्वेदिक आश्रम में, वहां उसका इलाज बेहतर हो पाएगा। ये प्रयोग तो मेरी दवाओं का असर बढ़ाने के लिए है, और खासकर ये वाली दवा। इतने सालों से काम कर रहा हूं मैं इस पर, रात दिन मेहनत की है। यूं समझ लो कि जिस दिन ये दवा तैयार होगी, जाने कितने लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। उमा जी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर और आपकी मेहनत पर। मैंने देखा है कैसे आप दिन रात इस दवाई पर मेहनत कर रहे थे। आपको इस दवा में कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे इस बैग में क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। आइए। कनक, ये इतने सारे पैसे और गहने किस लिए? माफ कीजिए उमा जी, शायद आप मुझे गलत समझे, पर ये सारे पैसे और गहने मासी सा ने बैंक से निकाले हैं। पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। ये पासबुक देखिए। तुम फिर शुरू होगी ना कनक, भगवान के लिए मासी सा की जासूसी करना बंद करो। मैंने पहले भी समझाया ना तुम्हें, और मासी सा ने मुझे बताया था कि वो बैंक से पैसे निकालने वाली है हमारी शादी के लिए। देखा ना कितना प्यार करती है वो हमसे। पर उमा जी आप ही सोचिए ना, इतने सारे पैसे को क्यों निकाले? जब रिश्तों के बीच में शंका आने लगती है ना, तो हर सही चीज गलत दिखने लगती है। ये बैंक खाता, पैसे, ये जमीन जायदाद जो मेरा है, वो मासी साका भी है। तुम्हें शंका की बीमारी हो गई है। देखो कनक, बहुत मुश्किल से इस घर की चीजें सही हुई, इसलिए भगवान के लिए कुछ ऐसा मत करना जिससे फिर से सब कुछ बिगड़ जाए। मैं विनती करता हूं तुमसे, बात ही नहीं माननी चाहिए थी भाभी से। मुझे पता था कि उमा का यही जवाब होने वाला है। अरे कोई भी सबूत देने का कोई फायदा नहीं। अब तो बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हमें मासीसा के इस प्लान की जड़ तक जाना होगा। कैसे? स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।